हेलो स्पिरेंस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली आर्टिकल आया था द हिंदू में अबाउट द फेमिनिस्ट अप्रोच ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थॉरली समझ लेते हैं। वील सी वाई न्यूज, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस इशू, कॉन्सेप्ट क्या है फेमिनिज्म का, और कैसे जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स में अब तक कैसा रहा है। देन फेमिनिस्ट थ्योरी हम देख लेंगे, व्हाट इज दिस फेमिनिस्ट थ्योरी, देन व्हाट आर द अप्रोचेस टू द फेमिनिस्ट थ्योरी, देर आर एक्चुअली फोर अप्रोचेस टू दिस। देन वील लुक एट द कंक्लूजन, आफ्टर दैट वी विल हैव आवर मेंस एंड द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट व्हाई एंड यूज। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर दो के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, इसमें बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स का राइज देखा गया, जैसे कि एथनिक टेंशंस थी कंट्रीज के बीच में, कोल्ड वॉर का टाइम भी देखा गया था। इसमें अब एक चीज की नेसेसरी थी कि अल्टरनेटिव अप्रोचेस हों इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, इंक्लूडिंग एक पर्सपेक्टिव था जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव था कि इंटरनेशनल जो एरिला है इसको एक जेंडर के लेंस से देखा जाए। अब फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस का एक आर्टिकल आया था, सो दिस इज व्हाई इट इज इन न्यूज़। सो ये मेन्स आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है। सो बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे, रियलिस्टिक सी बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल एरिना जो है वो फिलहाल एक स्टेट ऑफ एनार्की में है। एनार्की मतलब कि कोई भी एक पावर नहीं है जो सबको ओवर पावर कर रही हो, कोई एक लीडर नहीं है, और जितने भी स्टेट्स हैं कंस्टेंटली आप देखोगे कि ये पावर पॉलिटिक्स में इंक्लूडेड है, अपने अपने इंटरेस्ट को लेके, अपने अपने सिक्योरिटी को लेके। सऊदी अरेबिया ईरान का भी रिलेशन हो गया, पाकिस्तान चाइना के भी कुछ ऐसे ही है, तो पावर पॉलिटिक्स का सारा गेम है। अब लिबरल स्कॉलर्स अदर हैंड पे ये चाहते हैं कि कॉपरेशन प्रायोरिटाइज हो, ये एग्री करते हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर है ये एनार्किक रहे, लेकिन पावर के बजाय नेशंस को एक्टिवली अलायंसेस में साथ देना चाहिए अपने सेफ इंटरेस्ट के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म एक्चुअली एक मूवमेंट है, आप सभी अवगत होंगे इससे, और ये एक आइडियोलॉजिकल पोजिशन है जिसका एम है दैट इज टू डिफाइन, स्टैब्लिश और अचीव। वट वुड दे अचीव, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पर्सनल, सोशल इक्वालिटी चाहते हैं दोनों जेंडर्स के लिए, मेल फीमेल के लिए इक्वल हो। दे वॉन्ट इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड द वुमेन, और कोई भी बाइस्ड एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस वुमेन को नहीं हो। नाउ सोसाइटी ये भी बिलीव करती है कि, लेकिन सोसाइटी ये बिलीव करती है कि एक स्त्री और पुरुष ये दोनों अलग अलग हैं, कभी भी इनको इक्वल नहीं किया जा सकता। सो दिस इज द केस। नाउ फेमिनिज्म जो है ये एक्चुअली इट वॉन्ट और इट सीक्स टू इन्वेस्टिगेट स्टीरियोटाइप्स और जो बिलीव्स होते हैं, इनका ऐसा मानना है कि पेट्रियार्कल जो सिस्टम है मेल डोमिनेंट सोसाइटी का, उसके थ्रू ये सारी चीजें आती हैं। अब हाउ हैज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिस्कसिंग द वॉर एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स हैव बीन टिल नाउ? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में वुमेन को जनरली वल्नरेबल माना जाता है, जैसे कि यूक्रेन में अभी वॉर है, तो यूक्रेन के जितने भी वुमेन हैं और जितने भी चिल्ड्रन हैं इनको बाहर जाने की इजाजत है, लेकिन जो मेन हैं दे कैन नॉट लीव देयर कंट्री। तो दैट इज द केस। अब इनको वल्नरेबल माना जाता है प्रोटेक्शन के लिए, और यही जो पर्सपेक्टिव है इसी ने इंटरनेशनल रिलेशन में इनका मार्जिनलाइजेशन किया है, जैसे डिस्कशंस में या जो प्रोसेस वॉर में है, यही इन्हीं चीजों के चलते। अब एक मैस्कुलाइजेशन है वॉर के स्फीयर का, कि जो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें जनरली मैन है, अब उसमें डिसीजंस भी होते हैं तो वो भी मैन के होते हैं, जबकि जो वुमेन का जो इसमें भागीदार होता है उसको जनरली एकदम ही इनविजिबल या इसको नकार दिया जाता है। जैसे कि आप जनरली देखेंगे जो वुंडेड पर्सन हैं उनकी केयर जनरली मेडिक्स में वुमेन करती हैं, नर्सेस करती हैं। और एक चीज और होती है, अगर कोई वॉर किसी फैमिली के मेल मेंबर को एंटायरली खत्म कर देती है, देन वुमेन्स प्रोस्टिट्यूशंस में भी आ जाती हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। नाउ इवन विद द डिस्क्लोजर ऑफ द प्रोटेक्शन, एक्सक्लूसिव जो वुमेन का टारगेट होता है ये जनरली एक वॉर के साइड इफेक्ट के चलते आप देख सकते हैं कि रेप्स होते हैं, सेक्सुअल वायलेंसेस होता है, ये की मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है पर ऐसा होता है। अब जीनोसाइड में या एथनिक क्लिनाइजिंग में, अब फेमिनिस्ट थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ये एज अ रेस्पॉन्स इमरजेंट हुआ था जब मेल डोमिनेटेड थ्योरीज इंटरनेशनल रिलेशंस में आने लगी और ग्लोबल पॉलिटिक्स को ये एक जेंडर्ड लेंस से देखना चाहते हैं। अब इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, तो इसका ओरिजिन आप ये याद रखेंगे कि एक थर्ड डिबेट हुआ था 1980s में, वहां से हुआ था। सो दैट इज द केस। अब जो इसका पहला जनरेशन है जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का, इसका जो एम है ये जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं इसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, मोर ओवर उनका जो फेलियर है
वो एडिक्वेटली हाईलाइट करना होता है एंड टू रिप्रेजेंट ऑल द एक्टर्स, पर्टिकुलरली वुमेन पर ध्यान हो जो फॉरेन पॉलिसी में अब तक चीजें हुई हैं. सो ये उनका फर्स्ट जनरेशन का पर्सपेक्टिव है, टू डीकंस्ट्रक्ट द ट्रेडिशनल थ्योरीज एंड मोर ओवर टू हाईलाइट देयर फेलियर टू एडिक्वेटली रिप्रेजेंट ऑल द एक्टर्स एंड मोर पर्टिकुलरली कि वुमेन का ज्यादा उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, दैट इज वॉज देयर पर्सपेक्टिव. अब जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है ये और भी एरियाज में रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सिक्योरिटीज में, स्टडीज में, एंड एमिंग टू एड्रेस द मेल बायस में. और ये सिक्योरिटी के जो थ्रेड्स होते हैं इसको एक्चुअली थोड़ा ब्रॉड करना, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करना, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, पॉवर्टी हो गया, जेंडर सबॉर्डिनेशन हो गया, जेंडर गैप वगैरह हो गया. अब अप्रोच क्या है फेमिनिस्ट थ्योरीज को, तो चार अप्रोचेज हैं. एक लिबरल फेमिनिस्ट्स होते हैं, तो लिबरल फेमिनिस्ट बेसिकली फंडामेंटली चैलेंज नहीं करते जो ट्रेडिशनल आइडिया इंटरनेशनल रिलेशन का है मस्कुलाइन को लेकर के, तो ये उसको चैलेंज नहीं करते, लेकिन ये उसके कंटेंट को जरूर क्वेश्चन करते हैं. ये जेंडर गैप में ग्लोबल पॉलिटिक्स का रोल देखते हैं और जो वॉर का जो डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट आता है वुमेन पर इस चीज को देखते हैं, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड वुमेन ट्रैफिकिंग. बेसिकली दे कॉल फॉर मोर फीमेल पार्टिसिपेशन एट अ हायर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, दैट इज वॉट दे वॉन्ट. और ये चाहते हैं कि जितनी ज्यादा वो में लीडर्स होंगी उतना ज्यादा पीसफुली कम्युनिटी रहेगी, ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज ज्यादा रहेंगी, उनमें ममतत्व ज्यादा होता है, सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स. सो दीज आर लिबरल फेमिनिस्ट, दे डोंट चैलेंज द ट्रेडिशनल बट दे वॉन्ट न्यू. अब कंस्ट्रक्टिव फेमिनिस्ट क्या होते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव फेमिनिस्ट बेसिकली एक चीज में देखती है कि कैसे जेंडर आइडेंटिटीज जो हैं ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. ये जेंडर को एक्चुअली एक कोर कंपोनेंट की तरह देखते हैं जो कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है. ये भी एम्फेसाइज करता है कि जो आइडिया है जेंडर का कैसे वो अपहोल्ड करता है अनइक्वल ग्लोबल मटेरियल कंडीशंस को. अब एक चीज है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लिबरल फेमिनिज्म और कंस्ट्रक्टिव फेमिनिज्म में. तो लिबरल फेमिनिज्म बेसिकली फॉर्मल इक्वालिटी अचीव करना चाहता है इंडिविजुअल राइट्स वुमेन के लिए जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें, ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर्स में. जबकि जो कंस्ट्रक्टिव फेमिनिज्म है ये एक्चुअली एग्जामिन करता है कि जेंडर जो है वो कैसे सोशली कंस्ट्रक्ट होता है और जो सोसाइटल नॉर्म्स है ये इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, पावर रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एंड दे वॉन्ट ये बेसिकली इसमें और कंस्ट्रक्टिव चीजें ऐड करना चाहते हैं फॉर मोर ट्रू इक्वालिटी. जबकि लिबरल इसी के अंदर चाहते हैं. नाउ फेमिनिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या होता है, तो फेमिनिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है ये बेसिकली एक दोहरे लिंग्विस्टिक अपोजिशंस को देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में. बेसिकली दोहरे मापदंड होते हैं, जैसे कि ऑर्डर है, एनार्की है, द्विपक्षीय इसको कहा जा सकता है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, नेशनल इंटरनेशनल, ये इन दोनों में डिस्टिंग्विश एक्चुअली करता है. अब विच परपेचुएट टू सीक टू एम्पावर द मस्कुलाइन ओवर द फेमाइन्स, ये थोड़ा सा है इनका. अब हाईली क्रिटिकल है ये एसर्शन की कि जैसे मोर वुमेन होंगी हाई लेवल डिप्लोमेटिक पोजीशंस में ये पेसिफिस्ट पॉलिसीज लाएगा. पेसिफिस्ट मीन्स ये थोड़ा सा शांति वाली पॉलिसीज लाएगा. सो ये इनकी अप्रोच है, जैसे कि जो जितने भी चीजें होंगी उसमें एक फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक होगा, दैट इज वॉट देयर अप्रोचेस. अब एक पोस्ट कोलोनियल फेमिनिस्ट होता है, ये जो एजम्पशन ऑफ यूनिवर्सैलिटी ऑफ वुमेन का एक्सपीरियंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड की जितनी भी महिलाएं हैं वर्ल्ड में उनका जो एक्सपीरियंस है वो यूनिवर्सल है, ये इस ही को चैलेंज करते हैं. जैसे कि डिफरेंट रीजन डिफरेंट कल्चर्स में वुमेन के अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं. एसेंशियली ये लिबरल फेमिनिस्ट जो हैं इनकी अप्रोच को लेके क्रिटिकल है. ये लिबरल फेमिनिस्ट वुमेन को एक्चुअली देखती हैं जैसे कि ग्लोबल साउथ को ये एकदम पावरलेस देखते हैं, एजेंसी नहीं है, हेल्पलेस हैं वुमेन्स, एंड इनको एक होमोजेनस कैटेगरी की तरह देखते हैं. बट ये जो पोस्ट कम्युनल फेमिनिस्ट हैं ये इसके क्रिटिकल होते हैं. सो दिस इज वॉट ये चैलेंज करते हैं कि जो वुमेन के एक्सपीरियंसेस हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सिमिलर नहीं होते, अलग अलग कम्युनिटीज में कल्चर में अलग अलग होते हैं. अब कंक्लूजन क्या है, फेमिनिस्ट थ्योरीज जो इंटरनेशनल रिलेशन में है ये अभी भी इनको मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है. डिस्पाइट उनका पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल का जो चेंजिंग एरिना है इसमें वो और अच्छे इंसाइट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि और भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह हो गए इनमें दिया जा सकता है, बट स्टिल दे फेस द मार्जिनलाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ये एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकता है
एक्टर्स या नॉन एक्टर्स जो होते हैं इनके इम्पैक्ट पर, इंडिविजुअल या कम्युनिटीज पर कैसा इम्पैक्ट है. मोर ओवर ये हो सकता है कुछ नए सॉल्यूशंस दे सकें ग्लोबल चैलेंजेस में. अब ये जो थ्योरी है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो हर लेवल पे है सोसाइटी के, पर्सनल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक ऐसा होता है. नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द वेज जिसमें हम जेंडर इनइक्वालिटी को चैलेंज कर सकते हैं और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड बना सकते हैं जिसमें मेन और वुमेन दोनों का ही इक्वल पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में, इंटरनेशनल रिलेशंस में. एक न्यू पर्सपेक्टिव वर्ल्ड को मिल सकता है, ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में दे सकते हैं. सो नाउ वी हैव आवर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अप्रोच ऑफ फेमिनिज्म थ्योरी? लिबरल फेमिनिस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड प्री कॉलोनियल फेमिनिज्म. Now we have our mains practice question. So the war between the Russia and the Ukraine poses several challenges to the world order. How can feminist theory be applied to view it through a gendered lens? What are the challenges in doing so? So I have discussed enough ki aap iska answer kar sake. If you want to join our test series of mains, feel free to contact us. So this was all about today's video and session. Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.